अपने स्टाइल में, अलग स्टाइल में मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स बनाने की रेसिपी बताऊंगा, जो कि इंतहाई मज़े की बनते हैं। पानी रखें, चले आए पोटैटो रोल के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैंने 3 आलू ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उनको बॉयल करके मैंने मैश कर ली है। उसके साथ मैंने थोड़े सा धनिया लेके चॉप कर लिया है, 1 सब्ज़ मिर्च लेके मैंने चॉप कर लिया। मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर ज़्यादा मिर्चें ना हो, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत शौक से खाते हैं। उसके साथ मैंने एक दरमियाने साइज़ का प्याज लेके चॉप कर लिया है। उसके साथ मैंने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, साथ ही मैंने मैदा ले लिया और उसको पानी के साथ मिला के मैंने एक पेस्ट बना लिया है, जो कि ना ज़्यादा पतला है और ना ज़्यादा घना है। बस ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख मिर्च ले लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ले ली है, 1 टेबलस्पून मैंने चाट मसाला ले लिया है, और 1/2 ही टीस्पून मैंने सफ़ेद मिर्च ले ली है, और 1/2 ही टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा ले ली है। उसके साथ मैंने 2 चुटकी मैंने ले ली है अजवाइन की ले ली है। आप इसकी जगह पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें अजवाइन यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक अपना ही टेस्ट आएगा और एक अपनी अच्छी खुशबू आएगी। व्यूअर्स, मैं जो प्याज लिए हैं और जो मैं मसाले लिए हैं, वो मैं घी में हल्के से फ्राई कर लूँगा, क्योंकि अगर कच्चे मसाले और कच्चे प्याज मैं पोटैटो के साथ मिक्स करूँगा तो उसका कोई इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। तो चले आए, मैंने पैन के नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया है और घी गर्म होने का वेट करते हैं। घी हमारा गर्म हो गया, अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगा और मैं इसको हल्का सा ब्राउन करूँगा, ज़्यादा ब्राउन मैं नहीं करूँगा। हमारे जो पोटैटो रोल्स हैं उनका एक अपना टेस्ट बन जाएगा। मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई कर लिया है, इनका कच्चापन मैंने सिर्फ दूर किया और थोड़ा सा नरम किया है। और अब इसके साथ मैं मसाले डाल के थोड़ा सा मैं इनको पकाऊंगा। इसमें मैंने चाट मसाला ऐड नहीं किया, वो मैं बाद में ऐड करूंगा मिक्सचर बनाते हुए। और बस इनको मैं थोड़ा सा लाइट सा मैं और फ्राई करूंगा और फिर चूल्हा नीचे बंद कर दूंगा। इस तरह हमारे प्याज और मसालों का कच्चापन ऑलमोस्ट दूर हो जाएगा। हमारा जी मसाला रेडी हो गया जिस तरह का हम चाह रहे थे, और अब मैंने इसके नीचे चूल्हा बंद कर लिया और इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं आलू का जो हमने पेस्ट बनाया है उसके अंदर ऐड कर दूंगा। चले आए जी, हम अपना पोटैटो रोल का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मैंने मैश हुए पोटैटो के ऊपर जो मैंने प्याज और मैंने मसाला जार सोते किया था वो मैंने डाल लिए है, और सोते करते वक्त मैंने सिर्फ 1/2 टीस्पून घी का लिया था, और उसके ऊपर मैंने चाट मसाला भी डाल लिया है। अब हरा धनिया जो मैंने चॉप किया हुआ था वो इसके अंदर डाल लेते हैं। उसके बाद मैं 1 से 2 टेबलस्पून जो है मैं ब्रेड क्रम्ब इसके अंदर मैं ऐड करूंगा। उसके बाद मैं अपनी चॉप की हुई मैं हरी मिर्च ऐड करूंगा, और एंड पे मैं 2 चुटकी अजवाइन डालूंगा। इससे किसी किस्म की भी कोई मसला नहीं बनेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अजवाइन डाल के इसको बना के ट्राई लाजमी कीजिएगा, आपको मज़ा आएगा। इसके साथ आपको बहुत अच्छी खुशबू आएगी, और एक बार अगर आपने इसको अजवाइन के साथ ट्राई कर लिया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको बार बार अजवाइन के साथ ही ट्राई करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरीके से सारे मिक्सचर को आपस में मिक्स कर लेते हैं और एक अच्छा सा मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। पोटैटो बॉल्स का मिक्सचर हमारा तैयार हो गया है, तो चले आए अब इनके बॉल्स तैयार करते हैं। इसमें हम डिफरेंट किस्म की वेरिएशन ला सकते हैं और भी इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हैं, वो इंशाल्लाह कभी किसी अगली एपिसोड में मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो चले आए इसका पोटैटो बॉल स्टार्ट करते हैं। इस तरह हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर उठाएंगे और उसके बॉल बना लेंगे छोटे छोटे। बॉल बनाने के बाद जो हमने अपना मैदे का पेस्ट बनाया था पानी के साथ मिला के, उसके साथ उसके अंदर उसको डिप करेंगे, और डिप करने के बाद इसको ब्रेड क्रम्ब के अंदर रोल कर लेंगे। इस तरह हमारा फ्राई होने के लिए ब्रेड पोटैटो बॉल जो है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह हम ये जो बाकी मिक्सर बचा हुआ है उसके भी सारे हम बॉल्स बना लेते हैं। हमारे पोटैटो बॉल्स के बॉल्स तैयार हो गए हैं, तो अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसके अंदर घी या ऑयल डालेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे।
घी हमारा गरम हो गया है, अब मैं इसके अंदर पोटैटो बॉल्स डालूंगा और उसको लाइट गोल्डन कलर के फ्राई कर लूंगा उनको। मेरे मजेदार किस्म के क्रिस्पी पोटैटो बॉल्स रेडी हो चुके हैं, आप भी इनको बनाएं, अपने मेहमानों को सर्व करें। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान में बरकत डाले और आपके खानों में जायका दे। इजाजत चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज।